हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 34 मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग में हमने लास्ट की वीडियो में फीमेल ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टडी की। फीमेल ह्यूमन में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इसकी ड्यूरेशन अबाउट 28 डेज होती है और फोर फेजेस में हमने इसकी स्टडी की थी। फर्स्ट फेज मेंसेस फेज और मेंस्ट्रुएशन, सेकंड फेज हमने स्टडी की थी फोलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड फेज ओव्यूलेटरी फेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिड में यानी 14th डे होता है, और आफ्टर ओव्यूलेटरी फेज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जिसको हम सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। आज हम स्टडी करेंगे पार्चुएशन एंड लैक्टेशन। चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है उसे हम पार्चुएशन कहते हैं। इन ह्यूमंस द टाइम स्पान बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुएशन इज अबाउट 9 months 38 weeks और 266 days। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन और चाइल्ड बर्थ पार्चुएशन के बीच का जो टाइम स्पान है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उसे हम जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में इसकी ड्यूरेशन 9 months 38 weeks या 266 days। इस पीरियड को हम प्रेगनेंसी पीरियड और जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स में उनकी फीमेल्स में इस जेस्टेशन पीरियड की ड्यूरेशन जो है वो डिफर होती है। दिस प्रोसेस इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस। अब ये पार्चुएशन का जो प्रोसेस है ये किससे इंड्यूस्ड होता है? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस से इंड्यूस्ड होता है। अब पार्चुएशन का प्रोसेस, चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस कब होगा? जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, जब प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो चुका है, जब फीटस का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो इसका जो सिग्नल है वो कहां से मिलेगा? इसका सिग्नल मिलेगा कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से। इंडिकेशन की जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, इसका जो इंडिकेशन है ये इंडिकेशन मिलेगा पार्चुएशन के लिए कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से। इससे क्या होगा? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ऑक्यूर मेनी टाइम्स इन दिस पीरियड। अब यूटेरस की वॉल के अंदर रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन वॉल के अंदर, यूटेराइन वॉल की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज कॉल्ड पार्चुएशन। लेबर पेन इन दिस पीरियड इज ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सर्विक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ माउथ ऑफ सर्विक्स। इस पार्चुएशन में जो लेबर पेन क्रिएट होती है वो यूटेराइन की जो नैरो पार्ट है, जो सर्विक्स पार्ट है, उसकी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन रिलैक्सेशन से होता है। तो सबसे पहले इसका इंडिकेशन मिलता है कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से। ये कहां, कैसे ये न्यूरोएंडोक्राइन जो रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट कहां से होगा? ये प्रोसेस स्टार्ट होगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ए लाइट कॉन्ट्रेक्शन इज डेवलप्ड इन यूटेरस ड्यू टू द फीटस एंड प्लेसेंटा विच आर कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा। कैसे होगा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल मिलेगा जिससे यूटेरस की वॉल में जो मसल्स है उनमें लाइट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो पार्चुएशन का, जेस्टेशन पीरियड का इंडिकेशन भी यहीं से मिलेगा, फीटस और प्लेसेंटा से। और फीटस और प्लेसेंटा से जो इंडिकेशन मिला उससे क्या हुआ कि यूटेराइन वॉल में, यूटेरस की मसल्स में लाइट कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मींस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स।
रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से मिलने वाले सिग्नल से यूटेराइन की वॉल में लाइट कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गया। अब इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है उसका क्या इफेक्ट होगा? ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करेगी ऑक्सीटोसिन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जब ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करेगी तो ये ऑक्सीटेशन ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो यूटेरस की वॉल में उसकी मसल्स में होने वाले कॉन्ट्रेक्शन को और फास्ट कर देगा एंड हेल्प टू पुश द फीटस टुवर्ड्स द सर्विक्स। और अब स्ट्रॉन्गली क्या होंगे, यूटेरस की वॉल में मसल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। उन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन से जो फीटस है उसको किधर की ओर पुश किया जाएगा, यूटेरस के नीचे के नैरो पार्ट सर्विक्स और सर्विक्स से नीचे वेजाइना की तरफ। तो पुश द फीटस टुवर्ड्स सर्विक्स एंड फीटस कम आउट ऑफ द बर्थ कैनाल। वेजाइना और सर्विक्स जो यूटेरस के नीचे का नैरो पार्ट है ये मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी तो यूटेराइन वॉल की मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होंगे और उस फीटस को पुश किया जाएगा बर्थ कैनाल मींस सर्विक्स और वेजाइना की तरफ, विच इज कॉल्ड लेबर एक्सपल्शन। कई बार क्या होता है कि ये जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने पर भी लेबर पेन क्रिएट नहीं होती, तो इस कंडीशन में डॉक्टर सिंथेटिक या आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के यूज से इस लेबर पेन को या पार्चुरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं। तो इस टाइप के जो हम कहें कि कॉमर्शियली जो ऑक्सीटोसिन यूज किए जाते हैं मिसोप्रोस्टोल और पिटोसिन है। तो मिसोप्रोस्टोल और पिटोसिन का यूज आर्टिफिशियली पार्चुरेशन के प्रोसेस को करवाने के लिए किया जा सकता है। अभी है लैक्टेशन, तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है पार्चुरेशन। जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने पर ये स्टार्ट होगा कहां से, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिपीट करें इसको एक बार कि जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने का या फीटल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फीटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने का सिग्नल इस कंप्लीट डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से मिलेगा इंडिकेशन, जिससे यूटेराइन की वॉल में लाइट कॉन्ट्रेक्शन होंगे जिससे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा इसे हम कहेंगे। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करेगा, एक तरीके से स्टिमुलेट करेगा, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगी और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के हेल्प से यूटेराइन की वॉल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होंगे जिससे चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन का प्रोसेस होगा। यहां पर ड्यूरिंग पार्चुरेशन एक हार्मोन और भी रिलीज होता है जिसे हम रिलैक्सिंग हार्मोन कहते हैं। ओवरी इस रिलैक्सिंग हार्मोन को रिलीज करेगी। ये रिलैक्सिंग हार्मोन जो है वो प्यूबिक सिंफाइसिस, हमारी पेल्विक फीमेल में जो पेल्विक गर्डल्स के दोनों हाफ पार्ट्स के बीच एक जॉइंट है प्यूबिक सिंफाइसिस, उसको वो लूज बना देगा जिससे चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन का प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। तो एक रिलैक्सिंग हार्मोन भी इसमें काफी यूज। अभी है लैक्टेशन, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर पार्चुरेशन मदर की मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सीक्रेशन जो है मेमोरी ग्लैंड से, उसे हम लैक्टेशन कहते हैं। तो लैक्टेशन ओक्यूर ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद में लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन PRL कौन सीक्रेट करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं रेस्पॉन्सिबल है लैक्टेशन। तो लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ मदर की मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सीक्रेशन लैक्टेशन है जिसके लिए PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। एक हार्मोन और भी यूजफुल है HCST ह्यूमन
कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन HCST, जिसको अम्बिलिकल कोर्ड सीक्रेट करती है। अम्बिलिकल कोर्ड एक कोर्ड, एक रस्से के जैसी स्ट्रक्चर है जो मदर के यूटेरस के साथ में फीटस को अटैच करती है। मींस फीटस और मदर के यूटेरस को अटैच करने वाली एक कोर्ड, एक रस्से जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट है। तो इस अम्बिलिकल कोर्ड एक हार्मोन को रिलीज करेगा HCST, ये भी लैक्टेशन में है। ए लिक्विड इज सीक्रेटेड बाय, दो हार्मोन हो गए लैक्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, PRL प्रोलैक्टिन जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस सीक्रेट करेगा और HCST जिसको अम्बिलिकल कोर्ड या प्लेसेंटा सीक्रेट करेगा, ये लैक्टेशन के लिए हेल्पफुल है। इनकी हेल्प से मदर की मेमोरी ग्लैंड से एक लिक्विड सीक्रेट होगा जो उस इन्फेंट्स को, छोटे बच्चे को, यंग वंस को मिल्क और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ए लिक्विड इज सीक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल फॉर सम डेज आफ्टर बर्थ नोन एज कोलोस्ट्रम। तो चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन के कुछ दिन बाद तक जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे हम, उस स्पेशल मिल्क को हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस कोलोस्ट्रम में प्रोटीन प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है और इसमें IgA टाइप की एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है जो उस यंग वंस को, जो उस चाइल्ड को बेसिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि उस छोटे बच्चे के अंदर, उस चाइल्ड में अभी इम्यूनो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। तो मदर के मिल्क से उसे IgA एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन उसे मिलेगा जो उसे पैथोजन से, डिजीज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये एंटीबॉडी मदर के मिल्क से उसकी बॉडी में जाती है तो उसे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क हार्मोन एंड न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स इज रिक्वायर्ड। अब इस मिल्क के सीक्रेशन के लिए हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हार्मोनल एंड न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स क्या है? ये हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स ऑक्सीटोसिन कौन सीक्रेट करता है? हमने पीछे देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन लैक्टेशन के लिए भी, पार्चुरेशन के साथ साथ लैक्टेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। व्हेन न्यू बोर्न बेबी सक द ब्रेस्ट, जब न्यू बोर्न बेबी मदर के ब्रेस्ट से मिल्क को सक करता है तो एक सोमेटिक न्यूरोसेंसरी स्टिमुलाई जो है वो क्रिएट होता है। कौन सा? सोमेटिक न्यूरोसेंसरी स्टिमुलाई कब क्रिएट होगा? जब न्यू बोर्न बेबी मदर की ब्रेस्ट से, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को सक करता है तो इस सकिंग से एक न्यूरोसेंसरी स्टिमुलाई या इम्पल्स जो है वो क्रिएट होता है जो नर्व के थ्रू हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है। हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन रिलीज करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड की हेल्प से ब्रेस्ट में पहुंचेगा, ब्रेस्ट और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनकी एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे मिल्क जो है वो डक्ट के थ्रू क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड से बाहर उसका फ्लो होगा, ड्यू टू विच न्यू बोर्न बेबी गेट मिल्क। क्लियर हुआ? ये हार्मोनल न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स कैसे है? कि न्यूबॉर्न बेबी ने मदर की मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को सक किया, इस सकिंग से एक सोमेटिक न्यूरोसेंसरी स्टिमुलाई क्रिएट हुआ, वो नर्व के थ्रू मदर की हाइपोथैलेमस के पास में जाएगा, हाइपोथैलेमस अपना रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदर की मेमोरी ग्लैंड की जो एल्वियोलाई, छोटी छोटी उसमें जो एल्वियोलाई है उनकी एपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब मदर की मेमोरी ग्लैंड की एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मिल्क जो है वो डक्ट के थ्रू मेमोरी ग्लैंड से बाहर आएगा और न्यू बोर्न जो बेबी है उसे मिल्क जो है वो मिल जाएगा। तो ये एक न्यूरो हार्मोनल न्यूरोलॉजिकल एक रिफ्लेक्शन है।
सिंथेसिस, अब उन मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क का जो सिंथेसिस है ये भी रिलीज होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अभी सेकंड कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको भी कौन रिलीज करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है, अभी एक हार्मोन हमने देखा था ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है, अभी मेमरी ग्लैंड में मिल्क के सिक्रीशन के लिए भी एक हार्मोन और रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन PRL, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। तो दो हार्मोन हो गए यहां पे, मिल्क के सिंथेसिस और मिल्क के सिक्रीशन लैक्टेशन के लिए, एंटीरियर लोब से रिलीज होने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से सीख, पोस्टीरियर लोब को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा। पीछे अगर हमने इसने किया है तो उसे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे हमने पार्चुरेशन में भी देखा था वो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज हुआ। तो यहां पर मेमरी ग्लैंड में मिल्क के सिंथेसिस और मिल्क के सिक्रीशन के लिए भी दो हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टेशन इज ए कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये एक कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है, इन विच सकिंग रिफ्लेक्स एंड इजेक्शन रिफ्लेक्स बोथ द प्रोसेस कंबाइन एंड कॉजेस लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए यहां पर दो रिफ्लेक्स जो है वो कंबाइन होते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स कब क्रिएट होगा, जब न्यू बोर्न बेबी मदर की मेमरी ग्लैंड से मिल्क को या मेमरी ग्लैंड को सक करेगा, तो उसके रिजल्ट में मेमरी ग्लैंड से मिल्क का क्या होगा, इजेक्शन होगा। तो सकिंग रिफ्लेक्स एंड इजेक्शन रिफ्लेक्स बोथ द प्रोसेस कंबाइन एंड कॉजेस लैक्टेशन। फॉर द ओवरऑल क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रम है मदर का, ये जो मिल्क है उसमें प्रोटीन और उसमें बहुत से अदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, तो डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिनिमम 6 मंथ तक उस न्यू बोर्न बेबी को मदर का मिल्क जो है वो एज ए फूड अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर आज के इस क्लास में हमारे दो टॉपिक, एक पार्चुरेशन का प्रोसेस जिसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हमने देखा था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा, कौन से रिफ्लेक्स से होगा, ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से, फिर लैक्टेशन, लैक्टेशन के लिए हमने दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 34 मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, इसमें हमारे पास में 3 टॉपिक्स है, ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल, पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस एंड मिल्क सिक्रेशन का प्रोसेस लैक्टेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन।